राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए राइट टू हेल्थ बिल का प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा ब्यावर एवं ब्यावर के सभी डॉक्टरों ने भी सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया है। इस हेतु पूर्व में किए गए विरोध तथा दिए गए ज्ञापनों पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा ब्यावर की ओर से विरोध स्वरूप शहर के सभी निजी चिकित्सालय बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बाधित रहेगी। एसोसिएशन के आह्वान पर रविवार को निजी चिकित्सालय बंद रहे। इस दौरान रोगियों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नहीं मिल पाई। मालूम हो कि राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए राइट टू हेल्थ बिल का निजी चिकित्सालय तथा चिकित्सकों की ओर से विरोध किया जा रहा है। निजी चिकित्सकों का आरोप है कि राज्य सरकार हठधर्मिता करते हुए उक्त बिल को चिकित्सकों की बिना राय के उन पर थोपना चाहती है। निजी चिकित्सकों के अनुसार उक्त बिल की विसंगतियों एवं सरकार के अड़ियल रुख के कारण संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था संकट में है। इससे आमजन को स्वास्थ्य लाभ के बजाय स्वास्थ्य हानि का अधिक सामना करना पड़ेगा, जिससे डॉक्टर प्रोफेशन तो परेशान होगा ही, साथ में साथ आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यदि यह बिल पास होता है तो पब्लिक व समाज में फालतू की राजनीति करने वाले लोग ज्यादा पैदा होंगे, वे उसका खामियाजा स्वास्थ्य रूप से परेशान आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। उधर सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा ब्यावर की एक आवश्यक बैठक आयोजन जय क्लिनिक एवं नर्सिंग होम में किया गया। बैठक में उपस्थित चिकित्सकों ने राइट टू हेल्थ बिल का विरोध करते हुए अपनी सेवाएं अनिश्चितकालीन समय तक के लिए बंद रखने का निर्णय दोहराया। इस संदर्भ में शाखा पदाधिकारियों की ओर से अपनी मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया। बैठक के दौरान सरकारी चिकित्सकों की ओर से निजी प्रैक्टिस नहीं करने तथा आगामी दिनों में आंदोलन के तहत शांति मार्च तथा कैंडल मार्च आदि निकालने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में डॉक्टर सीपी सिंघल, रविंद्र सिंह छाबड़ा, लोकेश सिंघल, जलस सिंघल, गोविंद नाटानी, दिलीप चौधरी, संजय शर्मा, सुरेंद्र सिंह चौहान, प्रदीप जैन, नरेंद्र आनंदानी, गुसलन मलिक, राजीव जैन तथा डॉक्टर आशीष गुप्ता सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। निजी स्थान पर एक आईएमए ब्यावर की तरफ से अर्जेंट मीटिंग रखी गई और उसमें डिसाइड किया गया कि आज और कल दो दिन तक कोई भी प्राइवेट क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में या अपने घर पर पेशेंट नहीं देखेंगे। सरकारी डॉक्टरों से भी ये आग्रह किया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि कृपया आप घर पर अपना जो है आउटडोर उसको पूर्णतया बंद रखें और इस आंदोलन में अपना सहयोग दें। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी डॉक्टर्स इस बार एक मंच पर इकट्ठे होकर एक आवाज में बात करेंगे, नो टू आरटीएच। और हम सब संकल्प लेते हैं कि जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेती, हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा और इसको और उग्र बनाने की कोशिश करेंगे अगर सरकार के कान पर चूने रहेंगे। जो अभी आरटीएच बिल के विरोध में केवल की मेडिकल फ्रेटर्निटी जो केवल अपना एक वो असहयोग आंदोलन चला रही है, उस हेतु हमारा ये प्रयास है। आज हमने एक मीटिंग रखी है, इसमें सभी चिकित्सकों ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि हम इस जो भी केवल की ये हमारा जो आंदोलन है इसमें हमारी तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा। हम ये प्रयास करेंगे कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होते हुए भी हमारा आंदोलन सफलतापूर्वक चले। इसके लिए हमने सभी चिकित्सकों से ये निवेदन किया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस हमारा सारे अस्पताल बंद रहेंगे, सारे गमले की क्लिनिक्स सब बंद रहेंगे। यहाँ तक कि जो चिकित्सक अपने घरों पर मरीज देख रहे हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि आज से अग्रिम आदेशों तक आप अपने घर पर भी गमले किसी तरह के मरीज गमले की नहीं देखें। मरीज को अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसको अस्पताल में रेफर करें, अस्पताल 24 घंटे आपके लिए खुला है, आपकी सेवा में तत्पर है। और जहाँ तक केवल की भर्ती मरीजों का सवाल है, जो भर्ती मरीज हमारे पास हैं उनकी हम सेवा करते रहेंगे, लेकिन नया मरीज भर्ती नहीं करेंगे जब तक कि इस बारे में कोई पूरा फैसला नहीं हो जाता है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकारी चिकित्सक भी हमें पूरा सहयोग देंगे और इस आंदोलन में हमारे सहभागी बनेंगे।